ये मान ये सम्मान ये स्वाभिमान नहीं होता, ये मान ये सम्मान ये स्वाभिमान नहीं होता, हम बहुजनों का कोई पहचान नहीं होता। रोती रहती हमारी माताएं और बहनें घूंघट की आड़ में, अगर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान नहीं होता। अगर ये मनवादी दरिया के किनारे बस जाएं, तो वहां के लोग भी पानी के लिए तरस जाएं। नहीं जोर चलता है इनका फिजाओं पे, वरना सारे के सारे बादल इन्हीं के खेत में बरस जाएं। दोस्तों, किसी के नाक में हीरा तो किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा तो किसी के कान में हीरा। हमें उन हीरों से क्या लेना, हमारा तो संविधान है हीरा, हमारा तो संविधान है हीरा। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। पूरा देखने से ये फायदा होगा कि आप खुद की और बहुजन समाज की सुरक्षा कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती 14 अप्रैल को आ रही है और समय बहुत नज़दीक आ गया है। हमको बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को संवैधानिक रूप से मनाना है। संवैधानिक रूप का कहने का मतलब यह है कि कानूनी प्रक्रिया से, क्योंकि आप सभी को पता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा है और बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसी भारत देश में अन्य धर्म के लोग, आप सभी को पता है, जो सत्ता में हैं उनके संरक्षण में हर तरीके का कार्यक्रम मनाया जाता है, उपद्रव किया जाता है, साउंड और डीजे लगा करके दुनिया भर का प्रदूषण फैलाया जाता है, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वह सत्ता में हैं। वह कुछ भी करेंगे तो सही है, लेकिन हम आप परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर की जब जयंती को मनाएंगे तो हम पे रोक लगती है। हमसे परमिशन का कागज मांगा जाता है और हमारे लोगों को फंसाया जाता है। तो दोस्तों, जब हम बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हैं तो हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं, तो हमें संवैधानिक रूप से परमिशन लेकर कार्यक्रम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और समय रहते आप लोग इस वीडियो को जब शेयर करेंगे तो लोगों के पास वीडियो पहुंच जाएगी और संवैधानिक तरीके से सभी लोग परमिशन लेकर के कार्यक्रम को मनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि हमें परमिशन की ज़रूरत क्यों है। साथियों, आप सभी को पता है कि बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर एक विचार हैं और उनके विचार को फैलाने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का विचार पूरे भारत में फैले। और यहाँ लड़ाई विचार की ही है, क्योंकि मनुवादी मानसिकता के लोग नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जाए। आप सभी को पता है कि बाबा साहब अंबेडकर और गुरु रविदास जयंती या तमाम बहुजन महापुरुष के जो जन्मदिन होता है, उस दिन छुट्टी रद्द कर दी जाती है। उनकी पूरी कोशिश होती है कि बाबा साहब अंबेडकर या अन्य महापुरुषों का विचार भारत में न फैल पाए। तो दोस्तों, हम बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे सिपाही हैं, तो हम भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। हम परमिशन लेंगे और कार्यक्रम को जरूर मनाएंगे। दोस्तों, परमिशन हमको इसलिए भी लेना चाहिए कि जब बात विचारधारा की है, विचारधारा की लड़ाई है, तो मनवादी मानसिकता के लोग यह चाहते हैं कि किसी तरीके से इनके कार्यक्रमों में दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, कुछ घटना दुर्घटना हो जाए जिससे ये लोग फंस जाएं। तो 2 लोग 4 लोग 10 लोग भी अगर हमारे समाज के लोग, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग फंस जाते हैं तो यह सामाजिक नुकसान होगा। उससे बढ़िया है कि समय रहते हम परमिशन ले लेंगे और किसी कार्यक्रम में इस तरीके का उपद्रव ना हो जाए तो हम उससे बच जाएं, तो किसी कार्यक्रम में इस तरीके का फंसने फंसाने वाला काम ना हो पाए। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है परमिशन लेना, थोड़ा सा मेहनत करना है और चल करके अपने तहसील मुख्यालय पर जाना है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि तहसील मुख्यालय पर SDM साहब, वहाँ के बड़े अधिकारी होते हैं, उन्हीं से आपको परमिशन लेना होता है। तो आप एक आवेदन फॉर्म लिखेंगे, आवेदन में यह दर्शाएंगे कि हमको किस स्थान पर इस कार्यक्रम को करना है, इस कार्यक्रम में कितनी संख्या होगी। दूसरा, आपको साउंड रखना है तो साउंड का एक फॉर्म मिलेगा, वहीं से खरीद करके आपको उसको नत्थी कर लेना है। साथ ही आपको आधार कार्ड ले लेना है और एक फोटो लेना है। जिस व्यक्ति के नाम से परमिशन लेना है उसका आधार कार्ड चाहिए और उसी का फोटो चाहिए, ये ध्यान रखना है। दोस्तों, सभी का जिरक्स कराने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म लिख लेंगे, उस पर आप यही लिखेंगे आप किस गांव से हैं,
किस डेट में आपको परमिशन चाहिए, कितने बजे से कितने बजे तक चाहिए, कितनी संख्या रखनी है आपको, साउंड चाहिए, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी वो सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन पे आप लिख लेंगे। लिखने के बाद आप उस पर फोटो नथी करेंगे और आधार कार्ड लगाएंगे और साउंड का फॉर्म लगाएंगे। ये सारी चीज़ें ऐड करके आप SDM महोदय को ले जा करके जमा कर देंगे। जमा करने के बाद SDM साहब की व्यवस्था के हिसाब से टाइम लग जाता है, क्योंकि वह थाने को भेजेंगे रिपोर्ट लगाने के लिए और उनका जो भी कर्मचारी होगा वो पता नहीं कब जाएगा, एक हफ्ते बाद जाएगा कि दो दिन बाद जाएगा, यह कंफर्म नहीं होता है। आप सभी को पता है कि इस तरह के कार्यों में टाइम लग जाता है, इसलिए हमारी ज़रूरत है तो यह काम हम स्वयं कराएंगे। SDM साहब से सिग्नेचर करवाने के बाद आप स्वयं उस कागज को ले लीजिएगा, लेकर आप जीरक्स कराइएगा। जीरक्स करा करके जो ओरिजिनल होगा वह ले जा करके थाना अध्यक्ष महोदय को अपने थाने पे ले आकर के दे दीजिएगा। थाना अध्यक्ष महोदय साहब उसको देखेंगे, उस जगह को देखेंगे जो आप चिन्हित किए रहेंगे कि फलाने जगह पे हमको कार्यक्रम करना है, वहाँ की जगह देखेंगे कि क्या जितनी भीड़ आपने लिखा है उस भीड़ के लिए वहाँ पे जगह है या नहीं है, यह सारी चीज़ें देख करके यह भी मिलाएंगे कि क्या वो दंगा बाहुल्य क्षेत्र तो नहीं है। यह सब मिलाने के बाद उस पर वो अपनी आख्या रिपोर्ट लगा देंगे कि हाँ यह जगह सही है, कार्यक्रम के लिए परमिशन दिया जा सकता है। फिर उस कागज को लेकर के आप स्वयं SDM साहब के यहाँ जाइएगा और उसको जमा कर दीजिएगा। जब आप जमा करेंगे तो SDM साहब उसको देख करके देखेंगे कि थाने से परमिशन मिल चुका है, यानी आख्या लग चुकी है, तो आपको वह परमिशन दे देंगे। जब वो आपको वह परमिशन लेटर देंगे तो आप उसका जीरक्स कराएंगे, तो उसका जीरक्स करा करके आप अपने पास रखेंगे, दूसरा एक ले जा करके आप थाने पर जमा कर देंगे। जब आप थाने पर जमा करेंगे तो जो SHO महोदय होंगे, जो थाना के थाना अध्यक्ष होंगे, वह आपके कार्यक्रम के दिन आपकी जनसंख्या के हिसाब से आपके पास वह कांस्टेबल भेजेंगे और स्वयं भी मौका मुआयना करने आएंगे। वह ध्यान से देखेंगे कि कार्यक्रम में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि जब आपको परमिशन मिल जाएगा तो यह थाने की जिम्मेदारी होगी आपके कार्यक्रम को सफल कराने की। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कार्यक्रम का परमिशन लेकर के अपने कार्यक्रम को आप सफल बना सकते हैं और किसी भी कानूनी पचड़े में नहीं फंसेंगे। इससे आप सुरक्षित रहेंगे, समाज भी सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इतना वीडियो को शेयर कीजिएगा कि 14 अप्रैल तक हर इंसान के पास पहुँच जाए, जिससे सभी लोग कार्यक्रम को सही और सुचारू रूप से संपन्न कर सके। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत